हेलो एवरीवन, आइए आज का रिक्वेस्ट देखते हैं। तो यहाँ हार्दिक जी हैं जिन्होंने हमारे सारे के सारे पोस्ट पे कमेंट भी किया है, थैंक यू सो मच। चलिए आइए इनका पहले चार्ट बनाते हैं, फिर बाकी लोग का बनाएंगे। तो ये हार्दिक जी का चार्ट है, जरा देखें सब लोग ध्यान से और समझेंगे इस चीज़ को। देखिए, इन्होंने बोला कि इन्होंने कई बार अपना इंटरव्यू कई बार रिटर्न निकाला है। अब देखिए, ये बहुत बहुत कम लोगों के चार्ट में देखने को मिलेगा कि डिग्री 8 ही है, ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर को 8 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि हम लोग को एक अच्छा पोस्ट पाने के लिए 3-4 अच्छे प्लेनेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ कुछ चीज़ों को आप ध्यान देंगे, चंद्रमा अपने ही घर में है, शनि भी अपने ही घर में है, भाग्य में गुरु का होना बहुत अच्छा है जो कि लग्न के भी स्वामी है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा कंडीशन दिखा रहा है। सुख भाव के स्वामी भी यही हैं, साथ में गुरु शुक्र आगे बैठे हैं। शुक्र जो है आपके ये दो घर, मतलब एक तो होता है आपके जॉब का और एक होता है आपके इनकम का, इसके भी कनेक्शन जो है आपके भाग्य से बना हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा चार्ट है। और सूर्य का कंडीशन बहुत अच्छा है, सूर्य का कंडीशन बहुत अच्छा है, 15 डिग्री है। अब बस और जो बुध हैं आपके वो उच्च के होके बैठे हैं, बुध का उच्च का होना भी बहुत अच्छा है। 3 नंबर और 6 नंबर यानी कि जहाँ पे खुद है, इन दोनों घरों से बहुत अच्छा मेहनत दिखा रहे हैं। एक चीज़ आपको बताएं, आप एग्ज़ाम निकाल भी लोगे या कुछ भी कर ले, आप सारा चीज़ कर ले, अच्छे इंटरव्यू निकालेंगे, सब कुछ बढ़िया दिख भी रहा है आपके में। देखिए, डिग्री बहुत अच्छे हैं और आप इन दोनों डिग्री की हेल्प से डेफिनेटली आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी होगी, लग्नेश का थोड़ा उपाय करिए, 8 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कंडीशन कम देखे गए हैं कि 8 डिग्री में कोई अच्छे इंटरव्यू निकाल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनका लग्नेश का मतलब 9 नंबर का पाठ करें और बढ़िया से आप पढ़ाई कर पाएंगे। साथ में सूर्य का भी एक बार आप पाठ करें, हालांकि सूर्य की डिग्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एक बार आप सूर्य का पाठ करें। इनका कनेक्शन यहाँ बनना बहुत अच्छी बात होती है। तो कर्मठ हो जाते हैं लोग, ऐसे लोग कर्म के प्रति सीरियस होते हैं, वैसे भी सूर्य और मंगल है कर्म में, बहुत अच्छी कंडीशन दिखा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब निकालोगे, क्योंकि सूर्य का कंडीशन भी अच्छा है और गुरु का कंडीशन भी अच्छा है, जो कि आप हमारे बाकी वीडियोज़ में भी देखे हो। तो आप डेफिनेटली निकालोगे, गवर्नमेंट जॉब निकालोगे, बस आपके हमको थोड़ा सा एक लगन सही करने की ज़रूरत फील हो रही है, क्योंकि इनकी डिग्री जो है थोड़ा कमज़ोर है। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला मम्मी पापा के हेल्थ को लेके, तो ये मम्मी पापा के हेल्थ को हम लोग जरा देख लिया जाए। देखिए, पापा वाले घर में सूर्य और मंगल आ गए हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। इसके लिए आप सूर्य और मंगल बीज मंत्र जरूर कर लें, ठीक है। सूर्य और मंगल बीज मंत्र आप पढ़िए और पॉसिबल हो तो अंकल को भी पढ़ने को कहिएगा। आइए दूसरी चीज़ मम्मी के हेल्थ को देख लेते हैं। तो एक गुरु है, मम्मी की हेल्थ में देखा जाए तो यहाँ पे गुरु है, लेकिन इनको लो ब्लड प्रेशर कौन दे रहा है, शनि की दृष्टि आ गई है, यहाँ से मंगल और सूर्य की दृष्टि आ गई है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत इनको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे शनि मंगल सूर्य, इन तीनों की वजह से आपके घर में हेल्थ इशू आ रहा है, बाकी आपके लिए ये अच्छे हैं, फेवरेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शनि जो है इनको दो घर मिला है जो अच्छे नहीं हैं, लेकिन शनि क्योंकि अपने घर में बैठे हैं तो इस घर में अभी बुराई नहीं कर रहा है। आपने बोला पैसे को लेके दिक्कत, देखिए एक चीज़ आपको बता दें, इस घर में देखी जाती है कि फैमिली के पास पैसा है। तो देखिए यहाँ शनि जो बैठे हुए अपने घर में, ये एक अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन दिखाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छा। तो आपके चार्ट में ऐसी कई चीज़ें हैं जो दिखा रहा है कि होना ठीक चाहिए, लेकिन आप बता नहीं रहे। यहाँ पे अभी जैसे आपने बोला कि इतनी बार आप इंटरव्यू निकाले हो, लग्न की जो कंडीशन दिखा रहा है इसमें, बाकी सूर्य का और गुरु का कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त है, लग्न का कंडीशन ऐसा है कि जिसमें आपको मेहनत करते हुए दिख रहा है, दिखना ही चाहिए। अब अगर शनि की बात करें तो आपकी फैमिली के पास वेल्थ यानी पैसा दिखा रहा, और चंद्रमा का जब भी शनि के साथ कनेक्शन बनेगा
तो ये आपको आपको दुखी करता है, ठीक है। इसी पर यहाँ से आप ध्यान देंगे, ये आपको ओवर थिंकिंग, थोड़ा ज़्यादा सोचना और दुखी करता है। साथ में आप एक चीज़ और देख लेंगे कि हेल्थ इशू के बारे में। हाँ, हेल्थ इशू भी दिखा बता दिया और ये भी बता दिया। हाँ, आप बता रहे थे आपकी पैसे को लेके दिक्कत, तो यहाँ से आप देखोगे आपके फैमिली के पास तो अच्छे पैसे दिखा रहा है। अब हम बात करें आपके इनकम की, और ये सेवा भाव हो गया, तो इनकम की बात करें तो इनका भी कनेक्शन आपके भाग्य से आके हुआ है, तो यानी कि आप पैसा कमाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जो दिक्कत आ रही है बस वो केतु की दृष्टि की वजह से है, ठीक है। केतु की दृष्टि बनी हुई है आपके इनकम पे, तो जो भी इनकम रहेगी आपको हमेशा उससे कमी फील होगा और आप उसको और बेटर और बड़ा करने की कोशिश करोगे। सोशल कनेक्शन कह सकते हैं, कुछ कमी कर देगा सोशल कनेक्शन में आपके। ऐसे सेवा भाव को भी सेम, सेवा भाव में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लग्न में राहु होना बहुत अच्छा माना जाता है, लग्न में राहु, ऐसे में लोग जो होते हैं काफ़ी ब्रेव होते हैं, बड़े डिसीजन लेने में आतुर होते हैं, लोगों को लीड करते हैं। कई ढेर सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओकल्ट जी होती है ना, आप लोग जानते होंगे सारे लोग, थोड़ा सा ये तंत्र विद्या, फिर ये एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरु भी आपको हेल्प कर रहे हैं यहाँ से। राहु तंत्र विद्या और छुपे हुए रहस्य वाले ज्ञान, इन सब चीज़ों की ओर ले जाने की कोशिश करेगा आपको राहु, ठीक है। ओवरऑल कहेंगे ठीक है चार्ट, और आप गवर्नमेंट जॉब पाओगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग बना रहे हैं सूर्य और गुरु, ठीक है। और प्लस इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या दिख रही है हमको, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बुध। तो देखिए नॉर्मली ये होता है, आप भले ही जॉब करेंगे और इंटरव्यू निकाल लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम भी निकालोगे और पोस्ट भी लोगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं, ठीक है। आप रुकोगे नहीं, आप अपने बिजनेस करोगे और बिजनेस आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। आपके बिजनेस करने के योग बहुत ज़्यादा बना रहा है, बहुत अच्छा योग बना रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बता दिया, इकोनॉमिक कंडीशन सब कुछ आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपने दम पे घर बनाओगे और पैसे, ठीक है, अपने दम पे घर और पैसे बनाओगे, ये इसमें भी क्लियरली दिख रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये उमा जी का है, उमा जी का 10/4/1997 है, चलिए इनका देखा जाए। ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस करते हो तो सक्सेस मिलेगा कि नहीं, लव मैरिज या कैसा मैरिज कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। ये इनका चार्ट बनाया जाए। एक चीज़ आप लोग देखेंगे, ये है उमा जी का चार्ट, आइए इसमें भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखेंगे। उच्च का शुक्र बहुत बढ़िया माना जाता है, उच्च का शुक्र बहुत बढ़िया, चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा, ठीक है, उच्च का शुक्र है, उच्च का चंद्रमा है, ये एक बहुत अच्छा कंडीशन दिखा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, गुरु के, गुरु जो है नीच के हो गए हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके प्रभाव। सबसे पहले हम उच्च के शुक्र का प्रभाव देखेंगे कि इन दो घरों पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, तो एक भाग्य में और दूसरा आपके परिवार में, तो ये दो चीज़ों में तो आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, भाग्य में और आपके परिवार में, ठीक है। अच्छा परिवार मिलेगा, भाग्य से एक अच्छा परिवार भी मिल जाएगा। राइट नाउ अभी की बात करें तो ये भी एक अच्छा परिवार है अभी आप जिसमें हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके वाड़ी भाव यानी आप बातचीत करने में भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पिता के लिए भी हम कहा जाए तो एक अच्छा, उनका भी भाग्य भविष्य दिख रहा है और कह सकते हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा अब एक और चीज़ देख लेंगे कि उच्च के चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उच्च के चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा आपके इनकम पे, इन फ्यूचर आप एक अच्छा इनकम जनरेट करोगे, आप अच्छा कमाओगे, ठीक है। सोशल कनेक्शन भी आपका अच्छा रहेगा, लोगों के लिए आप हमेशा एक केंद्र रहोगे बातचीत करने के लिए, ठीक है। सेम राहु पहले घर में आ गया, आप बहुत ब्रेव बना के ये आपको रखेगा। थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, भले ही आप बड़े डिसीजन लेने में आतुर हो, अच्छा ब्रेव दिखते हो सामने से, है ना, और जो भी आपके नेगेटिव ओकल्ट बताया जाता है इसको, ठीक है, जैसे कि हमने अभी इससे पहले वाले चार्ट में भी बताया था कि ऐसी चीज़ें जो थोड़ी निगेटिव लिए हुए, एनर्जी लिए हुए हो, उनमें भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है राहु को। आपने अभी तक भूत पिशाच भी हो सकता है कि आपने भूत फील कर भी लिया हो एक बार, चलिए ये भी है। लेकिन हाँ, अब एक मेन चीज़ है कि आपके बात की जाए अगर आपके पुरुषार्थ की,
ठीक है, आप कितने ब्रेव हो। तो मंगल आपको ब्रेव होने में हेल्प कर रहा है, आप मांगलिक हो ये आपको मालूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा बहुत इमोशनल कर रहा है, तो आप एक बहुत अच्छे इमोशनल हो लेकिन सामने से बहुत ब्रेव हो, ठीक है, ये चीज़ आपके में देखने को मिलेगा। बात करेंगे आपके मैरिज की, मैरिज की बात किया जाए तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि उच्च का शुक्र है, यानी लव मैरिज के चांसेस बढ़ा देता है। 6 नंबर यानी बुध होता है और 10 नंबर यानी शनि और 12 नंबर यानी कि गुरु, तो इसका कनेक्शन आके बन गया है लव से, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि का कनेक्शन यहाँ से कनेक्शन आ गया है यहाँ पे और इनका यहाँ पे, मतलब ठीक है, इनका कनेक्शन यहाँ बन गया और इनका कनेक्शन यहाँ बन गया, लव मैरिज के चांसेस बढ़ गए। अब देखिए लव मैरिज के चांसेस बढ़ गए और यहाँ पे गुरु है, नीच गुरु है, तो ऑब्वियसली चांसेस बना रहे हैं लव मैरिज के, लेकिन आप मांगलिक हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मांगलिक होने की वजह से, क्योंकि गुरु नीच के हैं और ये गुरु की ही राशि है, तो मैरिज में आपको थोड़ी दिक्कत दिख रही है। लव मैरिज के चांस है लेकिन लव मैरिज मतलब मैरिज में आपकी दिक्कत दिख रही है। आइए देखते हैं क्या दिक्कत है। फिर वही सेम चीज़, शुक्र उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे, और यहाँ सूर्य भी हैं, ठीक है, चंद्रमा है, थोड़ा सा संशय आ गया यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम अब आगे देखेंगे कि इसको कौन कौन देख रहा है। तो यहाँ पे सुख भाव में देखेंगे तो मंगल की दृष्टि है, राहु की पांचवी दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, ओके, सुख में कमी यहाँ होते दिख रहा है। राहु शनि और मंगल यानी गुस्सा झगड़ा ये कारण बन रहा है। फर्स्ट हाउस में सूर्य का होना ईगो रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस में देख लेते हैं जरा किसी की दृष्टि है क्या। बहुत बढ़िया, उच्च का गुरु है आपके में, उच्च का शुक्र यहाँ है, उच्च का गुरु यहाँ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे शनि की दृष्टि आ रही है, चलिए तुलनात्मक दृष्टि आ गई। अब इसका हम देखेंगे आपके मैरिड लाइफ में असर। आपको देखिए गुरु का बीज मंत्र पढ़ना होगा, ठीक है, गुरु बीज मंत्र पढ़िए, आपके लिए ज़रूरी है और ये आपके लिए हेल्प भी करेगा, ठीक है। बात करते हैं आप क्या चाह रहे हैं, बिजनेस या जॉब क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर जॉब की बात करें तो मंगल यहाँ पे दृष्टि डाले हुए हैं, तो ये थोड़ा अनस्टेबल कर देते हैं पहले। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, जॉब या बिजनेस। ये बिजनेस कहलाता है और ये जॉब कहलाता है, ये जॉब है ये बिजनेस है। अब हम आपके कनेक्शन देखेंगे, तो ये कौन है, बुध है, और ये कौन है, बुध है, यानी दोनों का कनेक्शन सेम हो जाने की वजह से ये अच्छा कनेक्शन बन गया। अब देखेंगे यहाँ शनि है, बुध से शनि का भी रिश्ता कोई ख़राब नहीं होता, अच्छा होता है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि आपके कितने योग बन रहे हैं जॉब और बिजनेस में, दोनों में कौन कौन ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अब यहाँ से हम चेक करें दृष्टि, पहली चीज मंगल की दृष्टि आपके जॉब वाले घर में है। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, हाँ नहीं देख रहा, तो यानी आपके जॉब वाले घर में तो मंगल ने दिक्कत दे दिया। अब इस घर में देख लेते किसी की दृष्टि है, किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है, लेकिन जॉब वाले घर का कनेक्शन बना है परिवर्तन में, आठवें घर से लॉस देगा आपको, बिजनेस में एक बार लॉस तो करवाएगा। यहाँ एक थोड़ी दिक्कत आ रहा, आइए इसको भी चेक करते हैं, देखते हैं थोड़ा। इसका कनेक्शन बन रहा है थोड़ा, तो यहाँ दिक्कत दिखा रहा है, लग्न का भी कनेक्शन बना है, ठीक है, डेली खर्चा में भी दिक्कत आ रही है आपके, बढ़ा देगा डेली खर्चा, बहुत बढ़ा देगा, मतलब आप बहुत एक्सपेंसिव, मतलब आप खर्चे ज़्यादा करते हो, ये कनेक्शन यहाँ पे एक दिख रहा है।
ओके, आप बिजनेस कर तो सकते हो लेकिन एक बार आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, बाद में ये एक परिवर्तन देगा, अच्छा परिवर्तन आएगा देखने में, तो आप बिजनेस कर सकते हो। एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, गुरु का बीज मंत्र ज़रूर पढ़ें क्योंकि थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। गुरु के यहाँ दृष्टि बनी हुई है, शनि आपके सप्तम में है, देखिए एज डिफरेंस देखने को मिलेगा आपके लाइफ में जो आएंगे उसका, और लव तो आपको आपके लाइफ में बहुत बार दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत इजीली अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं, और क्योंकि गुरु ख़राब है आपका, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में सचेत रहना है। एक ख़राब प्यार ज़रूर आएगा लाइफ में आपके जो बहुत ज़्यादा तोड़ देगा आपको, और राहु देख रहे हैं यानी एक धोखा तो दिखा रहा है आपको, ओके, एक धोखा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर एक कोई आएगा जो आपके साथ अच्छा कनेक्शन करेगा क्योंकि गुरु है, और वही शादी होगी, वो एज में आपसे बड़े होंगे। अदर कास्ट में भी करवाने की कोशिश करेंगे लेकिन करिए नहीं, क्योंकि शनि बैठे हैं ये अदर कास्ट में अदर ऐसे चांसेस बनाते हैं, इससे बचना चाहिए। अब शनि केतु एक साथ है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में प्रॉब्लम दे रहे हैं सूर्य शनि केतु, है ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आपको मैरिड लाइफ में आई है जो नौमास में हमने देखा है। इसको सही करने के लिए पहले तो आप गुरु को सही कर लीजिए, इस घर से गुरु के प्रभाव ख़त्म होंगे, उसके बाद से शनि का उपाय करेंगे, ठीक है। तो गुरु का और शनि का इनके उपाय करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करना है, बीज मंत्र हम सबके लिए बोलते हैं, बीज मंत्र, ठीक है, बीज मंत्र करेंगे और आप कनेक्ट रहेंगे हमसे और बताएंगे भी। आपके सप्तम भाव में थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है, यहाँ से मंगल की भी दृष्टि है, शनि भी बैठे हैं, सूर्य भी बैठे हैं, केतु भी बैठे हैं, और नीच का आपका गुरु है, तो मैरिड लाइफ में आपके दिक्कत दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, बट इस ओके, कोई बात नहीं है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और बाकी आप हमसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, हम आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट चार्ट कौन है, प्रगति जी। प्रगति जी का चार्ट देखा जाए, ये प्रगति जी का चार्ट है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को करना है, प्रगति जी के चार्ट में इन्होंने पूछा है मैरिज के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इन्हीं तीनों चीज़ों पे देखेंगे। तो लग्न का स्वामी कहाँ आके बैठ गया है, ऑब्वियसली मैरिड लाइफ में, ठीक है। इसके स्वामी कौन होते हैं, गुरु, और गुरु यहाँ देख रहे हैं यानी एक अच्छा लव भी दिख रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसका कनेक्शन भी बन रहा है, यहाँ नौवीं दृष्टि भी आ रही है इनकी। शनि की बात करें तो शनि की भी यहाँ दसवीं दृष्टि आ रही है, लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे लेकिन लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और एक चीज़ है, आपका बहुत अच्छा शुक्र भी है, ये तो अच्छी बात हो गई, फिर शुक्र का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। भाग्य में मंगल का बैठना भी बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है, भाग्य में मंगल का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, और आपका आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बेटर करोगे, बहुत बढ़िया, तो ठीक है, लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं और आप अपने भाग्य के लिए अच्छे काम करते दिखोगे आप खुद, ठीक है। और उच्च का शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात होती है, उच्च का शुक्र आपके इन दो घरों पे अच्छा प्रभाव डालेगा। एक आपका कर्म है यानी आप कर्म से अच्छे रहोगे, मेहनती रहोगे, मेहनत करोगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बदलोगे, और ये होता है आपका पुरुषार्थ, आप फीलिंगफुल पर्सन हो, आपके में इमोशंस हैं, अच्छे इमोशंस हैं, और आप थोड़े से कह सकते हो कि ब्रेव नहीं उतना बोलेंगे लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ आप चीज़ों को परखते हो और आगे बढ़ते हो इमोशंस के साथ, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पांचवा नंबर यानी सूर्य की राशि होते हैं, ये नॉर्मली ये लोग जो होते हैं ब्रेव होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं इस वजह से आप में थोड़ा ये ब्रेवनेस कम कर देगा। ओवरऑल आपके में सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा है क्योंकि सूर्य की दृष्टि बनी हुई है, सूर्य की खुद की राशि है, तो अच्छी बात है, और ओवरऑल ये एक अच्छा चार्ट है, आपके लव मैरिज के चांसेस भी हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छी भी हैं, आपकी लाइफ में आगे भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे
महेंद्र जी ने सारे के सारे वीडियो पे कमेंट भी किया है, लाइक किया है, इसलिए थैंक यू सो मच। चलिए आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये है महेंद्र जी का चार्ट। महेंद्र जी के चार्ट में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि कौन से प्लैनेट उच्च के हैं और कौन से प्लैनेट नीच के हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों को। तो अभी इनके प्लैनेट्स कोई ऐसे नहीं है जो नीच के हों या उच्च के हों, चलिए ये बहुत अच्छी बात हो गई। आइए अब चेक करते हैं इन पर पड़ने वाले प्रभाव। एक सूर्य का कंडीशन अच्छा है और गुरु का कंडीशन अच्छा है, जो भाग्य पे देख रहा है और ये कर्म में बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट जॉब पे ले जाने की कोशिश करता है। फर्स्ट हाउस में शनि होने की वजह से यहाँ पे आप मेहनत देखेंगे, इनके लाइफ में मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगा। हर वक्त शनि इनको सिखाने की कोशिश करता है। साथ में शनि के तीन नेचर, एक आप लोगों को पहले भी बताया था स्किन, ये आपका डार्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइट, आपकी हाइट को कम कर सकते हैं। फिर हेयर, या तो आपकी बॉडी पे हेयर ज़्यादा होना या आईब्रो का मोटा होना, ये सब शनि के लक्षण हैं। तो शनि यहाँ पे आपको आप पे प्रभाव डालते दिख जाएंगे, ठीक है, शनि का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो केतु की दृष्टि भी बन रही है फर्स्ट हाउस में, शनि और केतु। अब यहाँ पे क्या करता है, ये थोड़ा सा सैडनेस ला देता है आप पे, आप बातों को जल्दी बुरा मानते हो, लेकिन ये अभी बहुत प्रभावी नहीं रहेगा, तो अभी काफ़ी ठीक है। ये आपके मैरिज को थोड़ा डिले भी कर सकते हैं और आपकी वाइफ के साथ आपका एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, जैसे एज में डिफरेंस, कास्ट में डिफरेंस, ऐसी कई चीज़ें पैदा कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में आपके थोड़ी दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि गुरु संभालते हुए दिख रहे हैं, मतलब गुरु इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में शनि की भी दृष्टि है, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। उसको भी देख लेते हैं एक बार। नौ मास से राहु बैठ गया है यहाँ पे, ये एक दिक्कत का कारण बन गया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हाउस में बुध है, बढ़िया है, कोई बात नहीं है, और किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, बहुत बढ़िया, बच गया तो ठीक है। इसका मतलब कहा जा सकता है थोड़ा सा आपकी खुशियों में राहु का होना बुरा प्रभाव डाल रहा है, लेकिन बच जाएगा, मैरिज अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात इतनी नहीं है। आप मांगलिक हैं, ये आपको मालूम होगा, शनि मंगल और राहु का इफेक्ट डाल रहा है, यानी आपके हस्बैंड को थोड़ी हेल्थ इशू होगी। अब बात करें अगर आपके जॉब के लिए, हमने बता दिया, अब यहाँ से देखेंगे मंगल है और ये हो गए गुरु और ये हो गए बुध, बुध मंगल गुरु, अब इनका कनेक्शन देखा जाएगा। तो बुध का बिजनेस से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बना रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो मेहनत करके आपको जॉब लेनी है, क्योंकि डिग्री 26 है और शुक्र मंगल एक साथ है और देख रहे हैं आपके जॉब घर को, और साथ में यहाँ पे बिजनेस सेक्टर में सूर्य भी है। तो अगर आप बिजनेस सेक्टर में जा रहे हैं तो किसी ऐसे चीज़ों में आप जा सकते हैं जिसमें सजाने का काम हो सकता है, जैसे इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर का काम हुआ, फिर कोई ऐसा काम जैसे मंगल कंस्ट्रक्शन और शुक्र खूबसूरती रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन, खूबसूरती, इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हो। लैंड के यूज़ में भी जा सकते हो, ज़मीन के भी काम में जा सकते हो आप, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। साथ में आपका शुक्र अच्छे कंडीशन में होने की वजह से कंप्यूटर बेस्ड वर्क भी करने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम पे भी करने को मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल चार्ट तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फर्स्ट हाउस में शनि आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। फिर हम सेकेंड हाउस में देखेंगे किसकी दृष्टि बन रही है। चलिए, किसी की दृष्टि नहीं बन रही, तो यहाँ पे चार नंबर होना यानी आपके पैतृक संपत्ति में कमी कर रहा है, लेकिन आपके वाड़ी को अच्छा कर रहा है और फैमिली से कनेक्शन भी अच्छा बना रहा है। तीसरे घर में देखेंगे तो गुरु है, चंद्रमा है और इसको मंगल देख रहे हैं, साथ में राहु की भी दृष्टि आई हुई है,
तो ये आपके ब्रेव कितने हैं आप इससे देखा जाता है। तो दो प्लैनेट तो आपको बहुत हेल्पफुल है ब्रेव बनाने में, लेकिन चंद्रमा का यहाँ होना आपको बहुत इमोशनल कर देगा। गुरु और चंद्रमा दोनों यहाँ बैठे हैं, गजकेसरी योग बन रहा है, तो आप एक इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। इमोशंस का कह सकते हैं क्लियरली कि आप इमोशंस का रिस्पेक्ट करते हो और आप इमोशनल हैं, जो डिसीज़न लेते हैं इमोशंस के साथ लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी बन गई है, इस वजह से थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, आपका इमोशंस आपको मिसलीड कर सकता है। साथ में देखेंगे अगर हम चौथे घर को, जो कि आपकी मम्मी को भी और आपके सुख भाव को भी रिप्रेजेंट करता है और आपकी प्रॉपर्टी को भी, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन देख रहा है, या किसी की दृष्टि है या कोई प्लैनेट है, तो नहीं, या कोई नहीं देख रहा है, किसी की दृष्टि नहीं है, सिर्फ सूर्य अपने प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये आपके कहा जा सकता है आपके लिए अच्छा ही है, आप अपने फ्यूचर में पैसा इकट्ठा करोगे, ठीक है, पैसे के लिए अच्छी चीज़ होती है, और अपनी प्रॉपर्टी के लिए इन द सेंस, खुशियों के लिए भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य का होने से थोड़ा सा ही प्रभाव डलेगा पड़ेगा निगेटिव, मतलब थोड़ी कमी करेंगे, लेकिन इतना नहीं, मतलब कोई प्रभाव ऐसा नहीं बहुत बताने लायक नहीं है कि हाँ इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पाँचवें घर में केतु है, अब हम देखेंगे कि क्या इसको कोई देख रहा है, तो नहीं, इस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी की, सिर्फ बुध की पड़ रही है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आपके लाइफ में प्यार तो आएगा, लेकिन एक ब्रेकअप भी दिख रहा है बहुत अच्छा खासा। केतु जो भी होता है तड़प देता है, तो ऐसे ब्रेकअप में क्या होता है, लोग मेंटली बहुत परेशान रहते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है, और कहा जा सकता है टूट जिससे जाते हैं, एक कमी रह जाती है उनके लाइफ में प्यार में। साथ में लग्न में क्योंकि शनि है तो अपोजिट कास्ट में, ठीक है, अपोजिट एज डिफरेंस में, कास्ट डिफरेंस में, इन सब चीज़ों में ले जाते हैं शनि, ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। छठे घर में आप देखेंगे तो आठ नंबर लिखा है, जो कि मंगल की राशि है, जो आपके जॉब के बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जॉब के लिए देखेंगे तो हमने बता दिया शुक्र और मंगल और सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, लग्न में शनि भी है, तो इससे रिलेटेड जो हमने बोला उससे रिलेटेड काम भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो मंगल आपके इंजीनियरिंग भी शो करते हैं, तो इससे रिलेटेड भी करवा देंगे, लेकिन जो अब क्योंकि शनि लैंड है, मंगल लैंड है, शुक्र ब्यूटी है, तो लैंड से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, या आपके लिए सूट करेंगे, ठीक है। सप्तम की बात करें तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु वक्री हो गए हैं इसलिए बहुत पावरफुल हो गए हैं, वर्गोत्तम हो गए हैं इसलिए बहुत पावरफुल हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पे गुरु का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ये गुरु की राशि है। वरना मंगल, राहु, शनि, इन तीनों के यहाँ दृष्टि होने की वजह से ये चीज़ों को थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। तो ये अब इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा कि हेल्थ इशू, ठीक है, हेल्थ इशू देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे हम आपके अष्टम भाव को, अष्टम भाव में कौन देख रहा है इसको भी चेक करते हैं। तो अष्टम भाव में दृष्टि की बात करें तो किसी की नहीं आ रही है, यानी यहाँ पे शनि का स्वयं का राज चल रहा, और शनि का कनेक्शन आपके भाग्य, आपके खुद से हुआ है, यानी आपके लाइफ में एक परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन आएगा ही आएगा श्योर, और लाइफ बदल जाएंगी आपकी, ये एक अच्छा इंडिकेशन है, बहुत बढ़िया। अष्टम का कनेक्शन, ये एक रहस्य का घर है। अब नौवें घर की बात करते हैं, जो भाग्य कहलाता है, यहाँ के शनि भी स्वामी हैं और जाके भाग्य बैठे हैं। जब कभी भाग्य का कनेक्शन खुद आपसे हो जाए तो ये ज़िंदगी बदलेगा, तो ये ज़िंदगी बदलता है, ठीक है, मतलब अच्छा योग कहते हैं इसको, एक तरीके से राजयोग में से काउंट किया जाता है। तो आप अच्छा मेहनत करेंगे अगर, तो आपके राजयोग जैसे अच्छे पोजिशन बनते हुए दिख रहे हैं। बात करिए अगर आपके कर्म की, सुख भाव, यहाँ से हम लोग कर्म देखते हैं और बिजनेस देखते हैं, तो कर्म में सूर्य का होना, कर्म आपका गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, जैसे जिसलिए हमने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब के चांस ये बनाते हैं, कर्म गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे क्या यहाँ पे किसी और की दृष्टि भी है, तो शनि की भी दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है, शनि की दृष्टि बन रही है। पिता पे सूर्य का होना, शनि की दृष्टि बनना थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है,
और जैसे कि यहाँ केतु का भी देखेंगे आप तो भाग्य में कनेक्शन बन रहा है दृष्टि, और यहाँ भाग्य में ही गुरु की भी आ जा रही है और चंद्रमा की भी आ रही है भाग्य में। लेकिन भाग्य में गुरु का देखना बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा गुरु इन सब का देखना बहुत अच्छा। केतु केतु कहीं ना कहीं, केतु और शनि कहीं ना कहीं थोड़ा लेट से आपको चीज़ों को देंगे। केतु आपको रियलाइज़ करवा देगा कि आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है, ये रियलाइज़ करवाना उनका काम है। कर्म में सूर्य का होना आपको कर्म प्रधान बनाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 11वें नंबर में राहु और बुध है, यानी आप पैसे कमाओगे, इसमें दो राय नहीं है, आप पैसे कमाओगे ही। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी बन रही है, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है अच्छे पैसे कमाने के। बात करेंगे अगर 12वें घर की, तो अगर आप बाहर भी जाओगे, या आप कह सकते हो मोबाइल के अच्छे यूज़र हो, मोबाइल इंटरनेट के, और आपके बाहर के काम लेने के भी अच्छे चांसेस है, और बाहर जाने के भी अच्छे। आप बर्थ प्लेस पे वैसे भी नहीं रुकेंगे, और आप बाहर जाएंगे और बाहर जाके भी अच्छे पैसे कमाएंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट में आपके वीडियो को हमने बता दिया है, सॉरी आपके चार्ट को हमने बता दिया है। आइए बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में देखा जाएगा, मतलब और भी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट देखते हैं। तो आइए अब देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे भगवती जी का, आइए भगवती जी का चार्ट बनाते हैं। इन्होंने बहुत टाइम से बोला हुआ है, कई जगह बोला था, इनका मिस हो जा रहा था। चलिए आइए इनका बनाते हैं पहले। तो इनका क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, आपने देखा होगा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का कंडीशन बहुत अच्छा है, लग्न का कंडीशन बहुत अच्छा है, गुरु की डिग्री भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबू आपको थोड़ा मेहनत के बाद ही मिलेगा, मेहनत तो ज़्यादा दिख रहा है आपका, काफ़ी ज़्यादा। रीज़न है क्योंकि सूर्य जो है ना अपनी नीच राशि में है, अगर ये 7 नंबर में नहीं होते तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देते। लेकिन फिर भी अभी ये अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके लग्न में ही देख रहे हैं अभी को, और लग्न में 1 नंबर लिखा है, जो कि सूर्य का उच्च की राशि है। ये नीच है, 7 नंबर और 1 नंबर में उच्च के होते हैं। आपके लिए 2023 अच्छा साल नहीं गया होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ हम आपको बता दें कि अक्टूबर के बाद से चीज़ें आपके लिए सुधरेंगी, और जैसे कि जो चल रहा है नवंबर के बाद आप देखोगे दिसंबर आपका अच्छा जाएगा। आइए अब कुछ और चीज़ें भी देख लिया जाए। देखिए अष्टम भाव में आपका शुक्र का होना, राहु का होना भी 8वें नंबर पे थोड़ा बेटर नहीं होता है, थोड़ा सा आप खराब रिश्तों से बच के रहेंगे, खराब लोगों से स्पेशली बच के रहिएगा। और यहाँ से आप देखेंगे शनि की दृष्टि आ गई है यहाँ पर आपके, और इस वजह से आपके मैरिड लाइफ को भी हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो मंगल का होना बहुत अच्छा है, ब्रेव बनाता है और मेहनती हो जाते हैं लोग ऐसे केस में। लेकिन भाग्य में चंद्रमा का होना, चंद्रमा का आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। आइए और भी कोई चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे शनि पे गुरु का इफेक्ट पड़ रहा है, कर्म के लिए बहुत अच्छा है, आप कर्म प्रधान रहेंगे। अगर आपने कर्म पे बस फोकस कर लिया ना इस बार 10वें नंबर पे, तो गीता में भी कहा गया है कर्म सबसे प्रधान है, तो ये आपकी सारी चीज़ों को और बेटर कर देगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपके वैसे भी कई चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि आप गुरु आके 6ठे घर में, यानी रोग भाव में बैठा है गुरु, तो रोग भाव में गुरु बैठेंगे तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। ठीक है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, और क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और गुरु भी है, साथ में केतु भी है, तो हाँ आपको कह सकते हो आपको बीमारी एक बड़ी प्रॉब्लम के तरीके से भी दिख सकता है, मतलब कुछ ना कुछ आपको हेल्थ में लगा रहेगा। स्टोन भी आपके होने के चांस है, छोटे ऑपरेशन के भी चांसेस बन रहे हैं। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सूर्य जब खराब होता है और लग्न को देखता है, तो आपको शेयर मार्केट में भी लेके जाता है, बिना पढ़े लिखे बिना अच्छे से नॉलेज लिए शेयर मार्केट में आप नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ से जो बड़े परिवर्तन है उसमें राहु का बैठ जाना लॉस करवा देता है। ठीक है, लग्न के स्वामी है मंगल, और वो आके ब्रेव वाले घर में बैठे, ये बहुत अच्छे कंडीशन हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई है ना। अब आइए देख लेते हैं सारे प्लैनेट की कंडीशन कैसी है, सब कुछ बढ़िया है सिवाय सूर्य के। सूर्य बीज मंत्र आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि नहीं तो वो आपको नुकसान देंगे। देखिए बुध का बहुत अच्छा कंडीशन है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है बुध का, उच्च के हो गए हैं बुध यहाँ पे। सूर्य कहाँ गया, सूर्य 11 नंबर पे आ गए हैं, अच्छी बात हो गई। चलो यानी कि उनके जो नीचता है वो कम हो गई है, अब बाकी सब तो ठीक है। आइए चेक करते हैं फिर से,
हाँ मैरिड लाइफ के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ उच्च के बुध है, बस केतु आ गया है। उच्च का बुध होने का मतलब तो बहुत अच्छा है, ये मैरिड लाइफ को संभाल रहा है, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि आ गई है। राहु तो खैर है ही, जब यहाँ पे केतु है तो ओके। तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट तो थोड़ा सा दिख रहा है, मैच्योरिटी की कमी दिख रही है आपके हस्बैंड में भी। तो और देख लेते हैं, यहाँ सुख भाव में देखेंगे बहुत अच्छी बात है, शुक्र बैठे हैं लेकिन शनि और मंगल की दृष्टि नहीं अच्छी होती है सुख भाव में, लेकिन अच्छी बात कौन है, गुरु देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, यहाँ पे गुरु ने देख लिया, थोड़ा संभालने की कोशिश करेंगे लेकिन दिक्कत तो दिख रहा है। अब आते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ पे राहु है जो कि झगड़े के कारक होते हैं, और इसको कोई प्रभाव तो नहीं डाल रहा, शनि की दृष्टि आ गई है दसवीं। हाँ तो ये थोड़ी दिक्कत करेंगे, यहाँ आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है। ओके यहाँ पे देखेंगे खराब ईगो एक प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे, ये ज़रूरी है ठीक करना। यानी आपको सूर्य का बीज मंत्र पढ़ना होगा, आपके लाइफ में प्यार की कमी भी ये कर रहे हैं सूर्य, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं उनमें प्यार नहीं दिख रहा है इनको, आपके फैमिलीज में आपको प्यार नहीं पता चल पा रहा है, इसके लिए वजह है सूर्य। तो सूर्य को ठीक करिए, क्योंकि ये आपके पे नज़र डाल रहे हैं, यानी आपके व्यवहार को ख़राब कर रहे हैं। तो सूर्य बीज मंत्र पढ़िए, वरना ये आपके परिवार में आपका कनेक्शन ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो सूर्य बीज मंत्र पढ़ते रहिएगा, यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ों में से एक है, ठीक है। और हेल्थ को इशू आ रहा है आपको, तो मंगल का ज़रूर से मंगल बीज मंत्र पढ़ें, हेल्थ इशू के लिए मंगल, ठीक है। और सूर्य आपके जॉब के लिए और आपके लाइफ में प्यार के लिए, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर शादी के लिए भी हम बता देंगे अभी आपको, चलिए उसके लिए भी आपको गुरु का बीज मंत्र नहीं पढ़ना है, गुरुवार का फास्ट रहना है, ठीक है, गुरुवार का फास्ट रहना है। और बाकी सब आपके में ठीक है, गुरुवार का फास्ट, गुरु की पूजा ये सब करिएगा, आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन एक बार आपका देख लें, और क्या था, गवर्नमेंट जॉब के लिए और मैरिड लाइफ के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब का बता दिया, मैरिड लाइफ के लिए भी बता दिया है। अब आपको यहाँ से हम देख लेते हैं ज़रा आप पे प्रभाव किसका किसका पड़ रहा है, और सिक्स पे किसका किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, ये मेडिकल भी दिखाता है, मेडिकल का फील्ड भी दिखाता है। इसके अलावा इस घर पे आपके पे किसका किसका प्रभाव पड़ रहा है, सिर्फ सूर्य का। ठीक है, ये एक चीज़ और दिखा रहा है, मंगल यानी डिफेंस भी दिखाता है, ये इंजीनियरिंग हुआ, डिफेंस हुआ, इन सब चीज़ों का। हालांकि यहाँ से डिफेंस को ना लेके इंजीनियरिंग को लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ये कंसल्टेंसी भी शो करते हैं गुरु। तो अगर ये कंसल्टेंसी है तो इनका कौन सा कंसल्टेंसी का रूप होगा, वो इंजीनियरिंग होता है, और या कोई भी टेक्निकल डिग्री। और मंगल की बात करें तो मेडिकल हो जाता है। आप मेडिकल में अच्छे थे और आपने मेडिकल नहीं किया, ऐसा कुछ है क्या, तो बताएंगे। सूर्य का कंडीशन यही बता रहा है कि आप तैयारी तो ज़रूर करोगे, क्योंकि सूर्य करवाएगा ही करवाएगा, गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाने करेगा, शेयर मार्केट में भी बहुत इंटरेस्ट बनाएगा आपका। लेकिन याद रखिएगा, ठीक से पढ़ लिख के ही कुछ भी करना है, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो सारिका जी ने अपने बच्चे के लिए क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले आइए इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये सारिका जी का चार्ट है, इससे पहले भी हमने एक बार इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया था, लेकिन सारिका जी ये आपके लिए है कि आप इसे समझें। तो थोड़ा देखिएगा चार्ट को, बच्चे के लिए जिम्मेदार होते हैं शुक्र, सॉरी मंगल, और मंगल आपके नीच के हो गए हैं इस ओके, लेकिन इनकी दृष्टि भी बन गई है आपके पंचम पे। पंचम भाव जो होता है ये बच्चे का भाव होता है, यहाँ इनकी दृष्टि बन गई है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिला। साथ में सूर्य भी यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि एक खराब प्रभाव डालते हैं। लेकिन
इस घर के स्वामी भी उच्च के हैं, बहुत अच्छी बात है। सूर्य शनि उच्च के होकर लग्न में बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं, यहाँ बुध का बहुत अच्छा कंडीशन है, सूर्य का बहुत अच्छा कंडीशन है, कहने का मतलब कि उच्च के हैं, ऐसे सूर्य भी बहुत ही अच्छे बन के बैठे हैं। तो अगर आप बात करें फर्स्ट चाइल्ड में आपको दिक्कत आई होगी, ठीक है, आएगी, और क्योंकि मंगल ख़राब है इसलिए बच्चे में आपको क्वेश्चन भी आपका बच्चे का था। अब एक काम आप करेंगे, मंगल बीज मंत्र पढ़ेंगे, मंगल का बीज मंत्र पढ़िएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके परिवार में भी आपका कनेक्शन और आपके मैरिड लाइफ के में भी आपका चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रहा है और आपके फैमिली में भी आपके प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मंगल का बीज मंत्र आपको पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट बच्चा आपका ये बच्चा होगा, ठीक है, लेकिन मंगल बीज मंत्र पढ़िए और आपका बच्चा होगा ही होगा, क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि बुध आपके उच्च के होके बैठे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और शुक्र का कंडीशन भी ठीक है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं आपके नौ मास में शुक्र का कंडीशन। तो यहाँ देखेंगे शुक्र ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, सूर्य अभी नीच के हैं, मंगल उच्च के हो गए, चलिए बहुत बढ़िया बात हो गई, यानी आपको बीज मंत्र पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम मंगल बीज मंत्र पढ़िए, बच्चे होंगे आप परेशान ना होइए, ज़रूर होंगे, बुध की कंडीशन बहुत अच्छे होने की वजह से आपको बच्चे मिलेंगे। यहाँ दो प्लैनेट की जो दृष्टि है इसमें से सूर्य खराब है और मंगल खराब है, देखा आपने नौमांस में सूर्य नीच के हो गए थे, यहाँ स्वग्रही हैं इसलिए थोड़ा प्रभाव डाल दिया है इन्होंने, लेकिन आगे से आपको चीज़ें अच्छी होते हुए दिखेंगे। मंगल बीज मंत्र जरूर पढ़े क्योंकि आपकी लाइफ में ये कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते दिखेंगे, आपको कुछ चीज़ें पहले अनुभव हो जाती हैं कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, और ये आपको अभी अनुभव हो जाएगा कि अब आपका इन फ्यूचर चीज़ें अच्छी होगी ही होंगी, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सुधरेंगी कन्फर्म सुधरेंगी और चीज़ें और बेटर होंगी। अभी क्योंकि आपके में कुछ बहुत अच्छे प्लैनेट्स के प्रभाव दिख रहे हैं, जैसे उच्च का शनि है, उच्च का बुध है, सूर्य का अपने घर में होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेयर देखने को मिलती हैं। थोड़ा अपने चिड़चिड़ापन पे आप कंट्रोल करिएगा, आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हो, क्यों, क्योंकि मंगल की दृष्टि बनी हुई है आपके ऊपर यहाँ, ठीक है, इस वजह से ये देखने को मिल रहा है। शनि की दसवीं दृष्टि बन रही है मंगल पे, इसका मतलब है कि आपके पिता का तबीयत ख़राब रहता है या उनको ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर तो होगा ही, लेकिन कोई और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेम आपकी सास के साथ भी देखने को मिल सकता है तबीयत के लिए, ठीक है। तो ये अभी आपका चार्ट था, और इसको ठीक करने के लिए मंगल को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मंगल का बीज मंत्र पढ़िए और हमसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे किसी भी जगह पे। ऐसा एक चार्ट पहले भी आया था, उनको सजेस्ट किया था, और भगवान की दया से अभी वो बच्चे के लिए तैयार है। चलिए आइए अब मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ढेर सारा प्यार और भवानी कल्याण करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, थैंक यू।